हेलो, मैं खालिद बोल रहा हूँ। बांग्लादेश से आया हूँ इधर। और ये मेरी माँ हैं, अफरोजा हुसैन हैं। तो हमारा जर्नी ये इंडिया का शुरू हुआ 2022 में, जब पता चला कि मेरी माँ की कैंसर है, बांग्लादेश में डिटेक्ट हुआ। तो सर्विक्स कैंसर था स्टेज टू में। हम उधर ट्रीटमेंट किए, 25 थेरेपी लिए उधर। देन थेरेपी के बाद वो ठीक हो गए, थोड़ा टेस्ट में भी सब कुछ पॉजिटिव रहा। लेकिन 4-5 महीने बाद 2023 की जून में उसके पीठ में बहुत दर्द होने लगा, खांसी आ गई। वो दर्द की वजह से उठ नहीं सकता। तो फिर हमें बोन टेस्ट किए और पेट सीटी किए, तो पता चला कि उसके कैंसर मेटास्टेटिस होकर लंग्स में और पीछे स्पाइन में आ गए। तो ये पता चलने के बाद हमको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा बांग्लादेश में। बांग्लादेश में हम लोग 5 रेडियोथेरेपी लिए और 3 कीमोथेरेपी लिए। थेरेपी लेने के बाद कंडीशन बेहतर हो गया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट की वजह से उसके नर्व सिस्टम को बहुत तकलीफ होने लगा। बांग्लादेश में मेरा एक रिलेटिव है मन्ना दा, उन्होंने डॉक्टर आडवाणी के पास ट्रीटमेंट किए। उनको ब्लड कैंसर था, सो वो ट्रीटमेंट लेकर अब बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि प्लान माई ट्रीटमेंट के बारे में, कि तुम उसके साथ बात करो, प्लान माई ट्रीटमेंट के साथ वो सारे कुछ सारे चीज़ अरेंज कर देगा डॉक्टर आडवाणी के साथ, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने मन्ना दा से नंबर लिया प्लान माई ट्रीटमेंट का और अडवानी सर के साथ अपॉइंटमेंट ले लिए। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ अरेंज कर दिया कि हम किधर रुकेंगे, मुंबई आकर होटल वगैरह सब कुछ अरेंज कर दिया प्लान माई ट्रीटमेंट में। तो हम जब एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट में रुके, तो एक नंबर दिया था हम लोगों को प्लान माई ट्रीटमेंट की तरफ से। तो जब भी जब मैं मुंबई एयरपोर्ट में उतरा, प्लान माई ट्रीटमेंट उनको मैंने कॉल किया, वो एयरपोर्ट में ही था टैक्सी लेकर। सो मैं जब भी मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकला, उन्होंने मेरे को रिसीव किया, बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया। रिसीव करके मेरे को होटल छोड़कर गई प्लान माई ट्रीटमेंट की तरफ से। तो मेरे वो जर्नी जो रहा ना, बहुत अच्छा रहा, बिकॉज मुंबई एयरपोर्ट में मैं नया हूँ, किधर जाऊँ मुझे को पता नहीं। तो जब मैं एयरपोर्ट में उतरा तो सारे कुछ अरेंज थे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं पहुंची। होटल पहुंचने के बाद प्लान माई ट्रीटमेंट ने मुझे कहा कि अगले दिन सुश्रुत हॉस्पिटल में हमारा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर अडवाणी के साथ, तुम सुबह सुबह आ जाओ। प्लान माई ट्रीटमेंट ने मेरा सब कुछ उधर अरेंज कर दिया, ओपीडी के जो फीस भरना पड़ा, जो फाइल भरनी पड़ी, सब कुछ उन्होंने बहुत आसानी से कर दिए। तो मैम और मेरी माँ को कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं अगले दिन गया सुबह हॉस्पिटल में, सब कुछ फाइल वगैरह जो है रेडी कर दिए। प्लान माई ट्रीटमेंट ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों की उधर वेलकम किए, और जो जो पेपर्स वगैरह का काम है अच्छे तरह से उधर हो गया। अगर ट्रीटमेंट के बारे में बोलूँ तो इधर मेडिसिन के कॉस्ट थोड़े कम है हमारा देश से। इधर जो मेडिसिन मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का जो मेडिसिन मिल रहा है हमें, ये बहुत कम मिल रहे हैं हमारे देश के कंपैरिजन में। और इधर जो कीमोथेरेपी का जो हॉस्पिटल का जो बिल है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, बिकॉज उतना महंगा नहीं है। और जो सर्विस है ना इस हॉस्पिटल में, वो टॉप क्लास है। पेशेंट को कोई दिक्कत ही नहीं होता। अगर ये लोग इंजेक्शन डालते हैं, कोई मेडिसिन देते हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं ना, तो पेशेंट को बहुत फ्रेंडली फील होता है। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, इसकी जो एटमोसफियर है हॉस्पिटल का, डॉक्टर का, नर्स का, ये मुझे बहुत अच्छे लगा। और जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमारे देश के से बहुत कम है, सो इसलिए मेरे को बहुत सेविंग्स हुआ। तो फर्स्ट टाइम मैं जब मेरे माँ को लेकर डॉक्टर आडवाणी के पास गया, वो तो एक बहुत हम्बल पर्सन है, इतने एज्ड है, इतनी अच्छे से बात करते हैं हम लोगों के साथ। मेरे माँ को तो वो ने बहुत कुछ पूछा कि आप कैसे फील कर रहे थे, क्या क्या तकलीफ हो रही थी आपकी, आप दवाई लेने के बाद, केमो लेने के बाद आपका हाल कैसा है, सब कुछ अच्छे तरीके से पूछा डॉक्टर अडवाणी साहब ने। और जितने फ्रेंडली वो उन्होंने हमारे साथ बातचीत की, हमें नहीं लगा कि हम एक डॉक्टर के साथ बात कर रहे हैं। हमको लगा कि अब फैमिली की कोई हमको पूछ रहा है कि आपका तबीयत कैसा है, आप क्या कर रहे हो। सब कुछ इतनी आसानी से, इतने अच्छे से उन्होंने मुझे हम लोगों को पूछा, तो हम लोगों की कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए हमारा जो सपोर्ट है, मोरल सपोर्ट है, जो पॉजिटिव फीलिंग है, वो बहुत बढ़ गया अडवाणी सर के इधर आने के बाद। मुंबई एक शहर है जो हम लोगों का तो ड्रीम था कि हम अगर इंडिया जाएं तो मुंबई में जाए, बिकॉज बॉलीवुड का एक बहुत अच्छा बारा सा एक शहर है, बॉलीवुड स्टार से हम मिले, ये तो हमारा एक फैसिनेशन था बांग्लादेश से ही। तो
तो मुंबई जब आया तो लगा कि एक बहुत बिजी सिटी है, बहुत बड़ा सिटी, लोगों ने हम लोगों को जिस तरह से वेलकम किया है ये बहुत अच्छा लगा। ऑटो वाले हो या होटल के वाले, जो भी है, जिसके साथ भी हम मिले, जिधर रहते हैं, सब लोग इतने अच्छे रहे, सब लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। मैं तो जब पहले आया तो मैंने पूछा भाई खाना किधर से लाओ, किधर जाओ, ऑटो किधर से लाओ, कुछ अगर कुछ चीज खरीदना पड़ा, सब लोग इतने अच्छे तरीके से हम लोगों के हेल्प किए, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई कि हम हमारा देश में है या किसी और मुल्क में है। हम लोगों को लगा कि हम मेरे देश में ही है, बिकॉज सब इतने वेलकमिंग थे मुंबई में। तो बहुत अच्छा लगा, मुंबई के एटमोसफियर, मुंबई के लोग, सब कुछ मेरे को अच्छा लगा। तो एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग हुई मैं और मेरी माँ। আমি আফরোজা হোসেন। 2022 সেপ্টেম্বরে আমার প্রথম শনাক্ত হয় যে আমার ইউট্রাসের মুখে ক্যান্সার হয়েছে। আমি একদম প্রথমে খুব আপসেট হয়ে গেলাম, তারপর আমার ট্রিটমেন্ট শুরু হলো। আমার ছেলে আমার সঙ্গে এই দীর্ঘ সময় আমার সঙ্গে, সে আমার সাথে যুদ্ধ করে চলছে। তারপরে সেকেন্ড টাইমে যখন আমার স্পাইনে ব্যথা শুরু হলো, প্রথম ডাক্তার আইডেন্টিফাই করতে পারলো না, তারপর অনেক টেস্ট টুস্ট করার পরে যখন ধরা পড়লো যে আমার ফুসফুসের স্পাইনে আবার ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েছে, আমি তখন মনের দিক থেকে প্রথমে ভেঙে পড়লাম। কিন্তু মান্নাদা আমাকে বললেন যে আপা ডোন্ট ওরি, এখন ক্যান্সার কোনো ভয়ের বিষয় না, ক্যান্সার এখন একটা রোগ না, আপনার যদি সঠিক সময়ে শনাক্ত করা যায় তাহলে ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট অনুযায়ী ঠিক মতো জার্নিটা হলেই আপনি কিউর হয়ে যাবেন। তখন আমার ছেলে ওনার সাথে যোগাযোগ করে প্ল্যান মাই ট্রিটমেন্টের সাথে যোগাযোগ করলেন, এবং আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে প্ল্যান মাই ট্রিটমেন্টের আমি সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে প্ল্যান মাই ট্রিটমেন্টের প্রত্যেকটা সদস্য এত কোয়ার্ডিয়াল। আমি অ্যাস্ট্রোনাইজড হয়ে গেছি যে তারা এত আন্তরিকতার সাথে আমাদেরকে গ্রহণ করলো, আমাদেরকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে আসলো, আমাদের হোটেল থেকে শুরু করে এভরিথিং তারা আমাদেরকে খুব হেল্প করেছে। এবং ডক্টর আডভানি স্যারের সঙ্গে যখন কথা বললাম, উনি যে এত বড় একজন ডক্টর, এত বড় মাপের একজন ডক্টর, ওনার সঙ্গে কথা বলে কখনোই আমার মনে হয়নি যে আমি এত বড় একজন ডক্টরের সাথে কথা বলছি। তো প্ল্যান মাই ট্রিটমেন্টকে ধন্যবাদ, এবং তাদের দলের, তাদের টিমের প্রত্যেকটা মানুষকে ধন্যবাদ আমাদেরকে এভাবে সহযোগিতা করার জন্য। সত্যি কথা কি, নার্স বা ডক্টর যদি এভাবে সহযোগিতা না করে তাহলে একজন পেশেন্টের পক্ষে খুবই কষ্ট হয়ে যায়, কারণ তার তো এমনিতেই মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে। তখন যদি সে কোয়ার্ডিয়ালি, তার আশেপাশের মানুষ যদি তাকে কোয়ার্ডিয়ালি গ্রহণ না করে, তখন সে মেন্টালি আরও আপসেট হয়ে পড়ে। তো তাদের কোয়ার্ডিয়ালি যে আন্তরিকতা যতটুকুন থাকা দরকার একটা পেশেন্টের প্রতি 100% ছিল, এবং আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ইয়ে ফুল জার্নি মে জো মদদ হমে অন্য লোগোঁ সে মিলি, মে বহুত শুকরগুজার করতা হুঁ, বিকজ এক अननोन मुल्क में आकर ऐसी हेल्प मिलना इस समय पे ये बहुत मुश्किल है। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई प्लान माई ट्रीटमेंट पूरी जर्नी में, इतनी आसानी से हम लोगों को मदद की। तो मैं सबको बोलूँगा जो बांग्लादेश में हो या पूरी वर्ल्ड में हो, आपका कोई तकलीफ है, कैंसर और कोई बीमारी हो, तो आप प्लान माई ट्रीटमेंट के साथ बात करो, खुल के बताओ कि आपको क्या हेल्प चाहिए, क्या करना चाहिए। वो लोग सब कुछ आपको आसानी से कर देगा, आपको कोई परेशानी नहीं लेनी पड़ेगी। ये फुल जर्नी मेरे को पता ही नहीं चला कि हम इस तरह से इस देश से अलग देश में जाकर करना है। मेरे को लगा कि हम हमारी देश में ही हैं, सिर्फ एक जगह से अलग जगह जा चुके हैं। सो प्लान माई ट्रीटमेंट को सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये फुल जर्नी में हम लोगों को इतनी मदद करने के लिए। थैंक यू।